हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, जो TRA का बैच और फर्स्ट ग्रेड का बैच है, उसके अंदर क्या जो आप 11th 12th का जो करवा रहे हैं, वो जो पोर्शन है वो उसके अंदर अवेलेबल होगा क्या? हाँ जी, वो पूरा का पूरा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आपके कोर्स के अंदर एक अलग से पार्ट बना के जिसमें 11th 12th का जो है ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप TRA का अगर कोर्स लिया है, चाहे आपने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया है, दोनों ही केस के अंदर 11th 12th की ये जो सीरीज है ये आपके लिए कम्प्लीटली अवेलेबल रहेगी। आपके उसी कोर्स में आपको उसके लिए कोई भी एडिशनल पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर्स जो है TRA के और फर्स्ट ग्रेड के, ये आपके रिकॉर्ड होके अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आज इवनिंग से आपके ये जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे आपके कोर्स के अंदर, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये छोटा सा एक अनाउंसमेंट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेरी कर रहे थे कि भाई कब आएगा ये जो है क्लासेज जो वो कब से अपलोड होना शुरू होगी, तो आज से ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल बेसिक से जो 11th 12th की बुक्स हैं उससे जो करवाया जा रहा है ये भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और ये आपके लिए आपके उसी कोर्स के अंदर ऐड होगा, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो आप भी अपनी पढ़ाई जो वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए, और जितना अपना बेहतर एफर्ट दे सकते हैं उतना बेहतर एफर्ट जो वो देना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि हम जो वो जीरो से स्क्रैच से शुरू करके 100% तक लेके जाना चाहते हैं। हम आपको इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं कि इस वैकेंसी में चाहे कोई और भी आ जाए तो भी वो आपको कम्पीट नहीं कर पाए। इसके लिए हम आपको बिल्कुल बेस से जो वो शुरू कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक 11th की जो पहली बुक से पहली लाइन से जो लिखा गया वहाँ से जो है वो नोट्स जो बना के आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे, और नोट्स आपके कोर्स के अंदर जो नोट्स और क्लासेज जो वो दोनों टाइम टू टाइम अपडेट जो वो होते जाएंगे। तो इस बारे में चिंता ना करें, आज शाम से आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलरली शुरू हो जाएगी। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।